थी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस। इस बार जो इन्हें जनादेश मिला वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस जनादेश ने बता दिया कि अब सिर्फ दावों से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा तो ही वोट मिलेगा। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। तो बाकी प्रदेशों पर बाद में जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश ने तो इस बार बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 29 की 29 सीटें बीजेपी के प्रत्याशियों ने यहां पर जीत दर्ज की। गढ़ कहे जाने वाले, कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में भी इस बार कमल खिल गया। उधर राजगढ़ में राजा के नाम से जाने वाले दिग्विजय सिंह हार गए। दिग्गजों की हार सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का यह हाल हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर इस बार का जनादेश कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए किसी एक खास संदेश है कि संभल जाइए, अभी भी वक्त है। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। कांग्रेस का आखिरी किला अब की बार हो गया खेला। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है ये भी एक सोचने की बात है। 24 की सरकार, दिग्गजों की हार। कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और सबको हार मिली है, तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है। महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा परिश्रम किया है, एक ऐसा पराक्रम किया है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यहाँ आईना दिखा दिया है। यहाँ पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, ये स्पष्ट किया है। कांग्रेस की करारी हार, कौन है जिम्मेदार? आने वाले समय में कांग्रेस को संदेश दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने कि आपको आपका विपक्ष का रोल धारदार करना है और संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है, नई सोच का करना है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को आत्मंथन करना चाहिए कि कहाँ उनसे गलतियाँ हुई, हम तो बार बार बोल रहे थे। दावों वादों की बात, बीजेपी की रिकॉर्ड जीत। भी नारा दिया था कि मध्य प्रदेश में 15-16 सीटें जीतेंगे। तो दिग्गजों की हार से हर कोई हैरान है। उधर हार के बाद मंथन करने की बात कही जा रही है। एक बात जरूर है कि कांग्रेस की जिस तरह से करारी हार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुई वो शायद किसी ने ना सोची हो। अब आपको दिग्गजों की हार और किस मार्जिन से वो हारे हैं इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। किस तरह की स्थितियां इस बार दिग्गजों ने देखी है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किस तरह की स्थितियां रही है। अब जरा बारी बारी से जान लीजिए। विवेक बंटी साहू, बीजेपी छिंदवाड़ा, हार नकुलनाथ, जीत का जो मार्जिन है वो 1,13,618। यही नकुलनाथ पिछली बार तकरीबन 37,000 से आगे आए थे और यही वजह है कि बीजेपी ने उस हार के बाद इस सीट पर तैयारियां शुरू कर दी थी। ये स्थितियां हैं जीत और हार की। और आपको बताते हैं, राजगढ़ की बात कर ली जाए, रोडमल नागर, जीत का मार्जिन 1,46,089। दिग्विजय सिंह यहां पर सामने थे। ये मार्जिन हालांकि पिछले बार ज्यादा था लेकिन इस बार 1,46,089 ये यहां पर जीत का मार्जिन रहा रोडमल नागर के लिए। रोडमल नागर खुद कह रहे थे कैंपेनिंग में, मुझे मत वोट दो, मोदी जी को वोट दो। राजनांदगांव की बात कर ली जाए, संतोष पांडे रिपीट किए गए, 7,00,000 से ज्यादा वोट मिला, जीत का मार्जिन 44,000 और वो भी तब जबकि भूपेश बघेल सामने है, वो भी तब जबकि जातिगत समीकरणों को बहुत बेहतरीन तरीके से साधकर भूपेश बघेल को यहां से मौका दिया गया था, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। जीते कौन? संतोष पांडे। ये स्थितियां हैं दिग्गजों की स्थितियां। अब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये ग्राफिक्स देखकर समझ आ जाएगा, समझाता हूं आपको। कोरबा से ज्योत्सना महंत तो दूसरी बार जीती हैं, जीत का मार्जिन 43,000 से ज्यादा है, सरोज पांडे इनके सामने थे।
सरोज पांडे इनके सामने थी, कद्दावर नेता है, आक्रामक नेता है, लेकिन मैंने क्यों कहा था हमें तो अपनों ने लूटा, पार्टी का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया, पार्टी के अंदर खाने, और उसका फायदा किसने उठाया, ज्योत्सना महंत ने, दूसरी बार ज्योत्सना महंत आई। अब इसे भी जान लेना चाहिए, एक चीज होती है नोटा, नन ऑफ द अबव, नोटा खासा चर्चाओं में रहा है, वजह है इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो जाना, नोटा को लेकर कैंपेन चलाया गया, इंदौर में असर दिखा, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ इंदौर में नोटा चर्चा में हो, नोटा के रूप में जनता को विकल्प नन ऑफ द अबव का मिलता है, जनता इसका इस्तेमाल भी करती है, नोटा का गणित भी आपको जान लेना चाहिए किस तरीके से इसका गणित होता है, नोटा का एक गणित और ये जान लीजिए, पहले नोटा का गणित समझ लेता है फिर मैं आपको बहुत बेहतरीन मिसाल दूंगा, नोटा का गणित और कुल 1.41% वोट इसके पास है, इंदौर में 2 लाख से ज्यादा 14%, रतलाम में 31,000 2% से ऊपर, शहडोल 19,000 1% से ऊपर, खजुराहो में 16,000 1% से ऊपर, मंडला में 18,000 वो भी 1% से ऊपर, ये नोटा का वोट है 2024 इन तमाम सीटों पर। इंदौर में तो चूंकि कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चला दिया गया, लेकिन यह भी दिखाता है कि कांग्रेस का वोटर निकला नहीं, और इंदौर में 2 लाख से ज्यादा वोट, 2,18,674 ये नोटा पर दबाए गए। एक और खास बात, छत्तीसगढ़ के लिहाज से मैं हमेशा यह कहता हूं कि नोटा वहां पर एक बड़े विकल्प के तौर पर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में वो नजर आया, और हालिया ताजा एक आपको मैं अपडेट दे देता हूं जो आपने देखा है, जिस तरह की स्थितियां कांकेर में बनी, कांकेर में जीत का मार्जिन है 1,800 तकरीबन 1,800, और नोटा को वोट गए हैं 10,000 से ऊपर, नोटा को वोट गए हैं 10,000 से ऊपर, बस्तर में नोटा को वोट 10,000 से ऊपर, ये सियासी दलों के लिए घंटी है, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, तमाम जो पहलू हमने आपको बताए हैं, किस तरीके से मैसेजेस हैं, राजनीति के मैसेज हैं, वो हमने अपने दर्शकों को बताया, और उसे आप डिकोड करने के लिए गिरजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की राजनीति को ना सिर्फ बहुत बारीक से देख रहे हैं, अगर मैं इन्हें खबरों का सर्जन कहूं, राजनीतिक खबरों का सर्जन, तो वो भी गलत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, गिरिजा शंकर सर, के शर्मा सर। पहले मैं गिरिजा शंकर सर आपके पास में आना चाह रहा हूं, ये पूरे परिणाम आ गए मध्य प्रदेश में, ये परिणाम आ गए एक तरह से क्लीन स्वीप, क्या मैसेज है राजनेताओं के लिए, सबसे पहला सर आपसे। देखिए मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आए हैं वो 2014 और 2019 में जो चुनाव परिणाम थे लगभग वही चुनाव परिणाम आए हैं, एक सीट का जो अंतर है हाँ। वो बीजेपी के पास जो नहीं थी वो बीजेपी ने इस बार उसको भी हासिल कर लिया। सवाल यह है कि बीजेपी के पास जब ऑलरेडी 27-28 सीटें थी और उसने एक सीट उसमें और बढ़ा ली, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि जो कांग्रेस राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या कुछ हरियाणा में या कुछ और राज्यों में, जहाँ उसने उस अपनी वापसी बहुत ठीक ठाक करती हुई दिख रही है, वो कांग्रेस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अपनी वापसी क्यों नहीं कर पाई या करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस में प्रत्याशी चयन के बाद प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई नज़र नहीं आ रही थी। आप चाहे वो बड़े नेताओं का सवाल हो, कमलनाथ का चुनाव हो, दिग्विजय सिंह का चुनाव हो या किसी और दूसरे प्रत्याशी का हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ज़्यादा उन राज्यों में एक्टिव रहा चुनाव कंपेन में जहां पर गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा था हाँ। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे और प्रदेश हो, ऐसे राज्य जहां पर लगातार दो लोकसभा चुनाव से बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था, उस बर्फ को पिघलाने के लिए उस मुकाबले में कांग्रेस को जो काम करना था वो करती हुई पार्टी नजर नहीं आई। लिहाजा ये प्रत्याशियों पर था कि प्रत्याशी अपने स्तर पर कितना अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सके। आप ये सोचिए कि जब मध्य प्रदेश में जहां पर 8 लाख 10 लाख से प्रत्याशी जीते हैं, वहां पर 5-6 सीट ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी की जीत हार का अंतर 1 लाख से भी बहुत कम है, यानी कि ये वो सीटें थी जहां पर कांग्रेस बेहतर कर रही थी। यदि शीर्ष नेतृत्व पार्टी के स्तर पर चुनाव यदि लड़ती हाँ। तो शायद है कि इसमें यहां सफलता मिलती, इसमें पार्टी चूक गई जी।
पार्टियां चूकी हैं। के शर्मा सर, आपका एक रिएक्शन जो पूरा घटनाक्रम रहा, मध्य प्रदेश में तो सुपड़ा साहब जैसी स्थिति है, छत्तीसगढ़ में ले देकर एक सीट बची है, वो भी इसलिए नहीं कि कांग्रेस वहां से जीत गई, वो इसलिए कि दरअसल सरोज पांडे बीजेपी से वहां हार गई। शर्मा सर प्लीज। निश्चित रूप से सरोज दीदी और भाभी को मैं जैसे पहले कहा था कि ये दोनों के संघर्ष के कारण, एक कारण तो ये है क्या वहां स्थानीय कार्यकर्ता को वहां पे या नेता को मैदान में उतारते कोरबा में तो स्थिति क्या बदलती, ये एक बड़ी बात सोचने वाली बात रहेगी जो चिंतन का विषय रहेगा कि सरोज पांडे को दुर्ग से भेजने का। एक चीज आप देखिए, छत्तीसगढ़ के मामले में चार नेता चुनाव मैदान में दुर्ग जिले से आए और चारों के चारों हारे हैं, तीन कांग्रेस से और एक भाजपा से कहा जाए जी, ये एक बड़ी बात है यहाँ पे। और दूसरी चीज जो है यहाँ पे जो मैकेनिज्म के बात बोलेंगे, मैनेजमेंट के बात बोलेंगे या कहें कि नैरेटिव सेट करने के मामले में, सब मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है। लेकिन बाद में हम पहले जो चर्चा कर रहे थे उसी को बताते हुए दर्शकों को ये समझ में आए कि पहले जो था बाद में जो प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित की उसका लाभ लेते हुए उन्होंने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की, चाहे राजनांदगांव में भूपेश बघेल को उतारने का हो, चाहे ताम्रध्वज साहू को महासमुंद भेजने का हो, या देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेजने के बाद, और जातिगत कारण के कारण दुर्ग से इन लोगों को अन्य क्षेत्रों में भेजा गया था। एक ही उसका असर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जातिवादी राजनीति के ऊपर मोदी की गारंटी है या मोदी की लहर कर सकते, उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी पर लोगों ने और मोदी के जो काम के आधार पर, जिस तरह आपने पहला लाइन कहा था कि मध्य प्रदेश में भी प्रत्याशी जो है मोदी के नाम पर वोट मांग रहे, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल सबसे ज्यादा मतों से विधानसभा में 67,000 मतों से जीत दर्ज की थी अपने रायपुर दक्षिण से, अभी भी वो सबसे ज्यादा 5,75,000 मतों से जीते हैं। तो ये व्यक्तिगत छवि जो है ये क्या होती है, उसके साथ यदि मोदी का चेहरा, मोदी की लोकप्रियता आ जाए तो उसका रिजल्ट और परिणाम में कैसे तब्दील होता है, ये एक समझने वाली बात है जी। दूसरी चीज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मामले में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की बात, आपको चारों आदिवासी सीट जीतने में सफल हुई है छत्तीसगढ़ में, अनुसूचित जाति का एक सीट है, वहां जांजगीर चांपा में भी पराजय का सामना हुआ है। तो इस दृष्टि से आदिवासी वाली गणित भाजपा की सफल रही है और महिलाओं और किसानों के लिए जो मोदी की गारंटी थी उसका भी लाभ भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में एक चीज और चिंतन का विषय अब समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं टीएस बाबा को किनारे किया गया, जो 2.5 साल का जो विवाद चल रहा था वो क्या अभी तक है कि टीएस बाबा उस ढंग से मैदान में सक्रिय नहीं हुआ, आप देखिए एक दो एक पोस्ट दिखाई देगा, कहीं दिखाई देगा, राजनांदगांव में जब नामांकन दाखिल, जब लाठी की बात चली तो वहां महंत जी थे, टीएस सिंहदेव नहीं थे। तो जय वीरू की जोड़ी का टूटना भी कांग्रेस के लिए चिंतन है। और दूसरा, विधानसभा चुनाव में हार जो हुई थी उसको लोकसभा तक कांग्रेस उसमें अपने आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में नहीं जगा पाई, ये भी एक कारण छत्तीसगढ़ में नजर आता है। हार से दरअसल वहां से निकल ही नहीं पाए, और कार्यकर्ता तो छोड़िए नेता, मेरा ख्याल है हार से नहीं निकल पाए। दुर्ग का एक वाक्य हम बताएं कि मैं खुद गया था वहां पर, कहता है वोटर कार्यक्रम के लिए जब हम गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलने को तैयार नहीं है, वो मैदान में आने को तैयार नहीं, ये कितनी विचित्र परिस्थिति है। गिरिजाशंकर सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, इस बार पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर ली जाए, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, क्या कुछ आगे आप देख पा रहे हैं इनके लिहाज से सर? देखिए, शिवराज सिंह जो है जितनी बड़ी लीड के साथ अपना लोकसभा का चुनाव जीते हैं तो जाहिर है कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनकी नई भूमिका केंद्रीय राजनीति में तय होगी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो संगठन में काम करेंगे आगे या केंद्रीय इस तरह की हवाएं चलने लगी या किस नोएडा की गलियों में इस तरह की हवाएं चलने लगी कि कहिए मत के प्रधानमंत्री के लिए न्योता आ जाए। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हवाओं से यदि राजनीति के निर्णय होते तो फिर तो राजनीति कहीं और जाती, हवाएं चलते रहती हैं, हवाएं चलनी भी चाहिए। लेकिन ये तय है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए बीजेपी या एनडीए की सरकार में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने इसकी कोई संभावना तार्किक रूप से नजर नहीं आती। ठीक। दूसरी बात, जहां तक जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दोनों जो है छिंदवाड़ा में भले ही प्रत्याशी नकुलनाथ थे, कमलनाथ के पिता पुत्र, लेकिन चुनाव कमलनाथ का था, तो एक तरह से इसको कमलनाथ की ही हार मानी जाएगी। दिग्विजय सिंह तो खुद हारे हैं। ये दोनों जो नेता हैं कांग्रेस के, ये बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इनका इस तरह से चुनाव हारना एक बड़ा सेटबैक तो उनके लिए है,
लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इस चुनाव के हारने से उनकी कोई जो चुनाव राजनीतिक पारी है उस पर कोई विराम लग जाएगा या कोई अवरोध पैदा होगा। उनकी बड़ी उपयोगिता आज भी है और उन और वो उपयोगिता जो है बनी रहेगी। इसलिए इनके इनका क्या होगा वाली बात तो ये है कि ये सारे लोग जो हैं वो चुनाव हारने के बाद भी या चुनाव जीतने के बाद भी इनकी अपनी अपनी उपयोगिता अपनी अपनी पार्टी में बनी रहेगी। जी जी, उपयोगिता भी बनी रहेगी और जहां जिस स्तर पर इस्तेमाल की बात आएगी वो भी रहेगी। अगर वक्त रहेगा तो फिर नोटा को लेकर भी आपसे मैं एक सवाल करूंगा, लेकिन अभी के शर्मा सर आपके पास मैं आ रहा हूं। नोटा अगर पूरे छत्तीसगढ़ को देख लिया जाए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मार्जिन है, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नोटा दबता है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले दो विधानसभा चुनाव का तजुर्बा देख लिया जाए और इस बार कांकेर सीट देख ली जाए, लीड 1800 मतों की है और नोटा पे 10,000 वोट पड़ रहे हैं, ये क्या कोई मैसेज है राजनेताओं के लिए शर्मा सर? लेकिन जिन क्षेत्रों के आप नोटा की बात कर रहे हैं वो पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है, नक्सल प्रभावित है, ये बड़ी बात है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के हमेशा देखेंगे जो चुनाव का बहिष्कार करते हैं, मतदान का बहिष्कार करते हैं, उसके बावजूद लोग मतदान केंद्र पहुंचे हैं। कई बार ये बात आई थी कि क्या ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं क्या, ये भी एक बात कहीं चर्चा में थी कि जिस तरह से कवासी लखमा वहां मैदान में थे और तमाम प्रकार के जो विज्ञप्ति बाद में भी जारी हुई नक्सलियों की ओर से, उसमें जो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग जो नेताओं ने किया उनका उल्लेख करते हुए नक्सलियों ने विज्ञप्ति जारी की थी। नोटा को लेकर के ये देखने वाली बात है इन क्षेत्रों में जो हुआ है उसमें नक्सलियों की क्या नोटा में कोई भूमिका रही है क्या इन प्रत्याशियों को लेकर। देखिए कांकेर की बात जो बोल रहे हैं कि 7,000 से वीरेश ठाकुर पिछला चुनाव हारे, अब इस बार वो 1800 मतों से हार रहे हैं, तो ये 1884 मतों से जो उनकी आ रहा है ये कितनी बड़ी बात है किसी राजनीति के लिए, प्रत्याशी के लिए, जहां 14 लाख से ज्यादा मतदान हो रहा हो, मतदाता हो वहां पे, यहाँ पे स्थिति जो है मुझे लगता है कि प्रत्याशी के लिए बहुत चिंतनीय की बात है, पार्टी के लिए ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि नोटा को लेकर के आप छत्तीसगढ़ के पिछड़े क्षेत्रों में आपको ज्यादा दिखाई देगा, खासकर बस्तर और कांकेर का जो आपने उल्लेख किया बिल्कुल सही है, और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूर क्षेत्रों में क्या लोगों को प्रत्याशी, मुझे नहीं लगता कि भाई जो आम शहरी क्षेत्रों में होता है कि प्रत्याशी पसंद के नहीं है इसलिए वोट दे दिया, या इंदौर में कांग्रेसियों ने हो सकता है कि नोटा ज्यादा दबाया हो, 2 लाख से ज्यादा वोट इसलिए पड़ गए, तो ये शहरी क्षेत्रों का हो सकता है प्रत्याशी पसंद है ही नहीं है, लेकिन वहां लगता है कि जो चुनाव बहिष्कार की बात करती है तो नक्सली के अंदर खाने ने ये बात ये चीज की हो कि नोटा का बटन दबाया जाए प्रत्याशियों को के जगह में ये, लेकिन मुझे लगता है कि नोटा का बटन दबाने से मतदाताओं को कोई ज्यादा लाभ नहीं होना है, इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कोई रिजल्ट में फर्क होने वाला नहीं है। जी नकारात्मकता की बात अगर की जाए तो फिर बटन इसका दबाने से बचना चाहिए, यह भी एक पक्ष है। गिरिजा शंकर सर, नोटा ना सिर्फ इंदौर का मसला जी, पूरे देश में अगर देख लिया जाए नोटा का के ऑप्शन को, छत्तीसगढ़ में देख लिया जाए, इसे आप कैसे देखेंगे? जी नहीं, इंदौर तो अपवाद है जो इस बार हुआ, लेकिन नोटा का उपयोग कोई मतदाता क्यों करे, क्यों इसकी जरूरत पड़े, ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। जब वो प्रत्याशी तय करते हैं और बाकी तमाम चुनाव के इंतजाम करते हैं तो उनको इस बात को देखना चाहिए कि किसी मतदाता को आप किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों से ऐसी एलर्जी क्यों हो कि वो नोटा की तरफ जाएं। हाँ। तो जब यदि आप मतदाताओं के अनुरूप, मतदाताओं की जो चाहत है, मतदाताओं की पसंद है, यदि उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी तय करेंगे तो फिर नोटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मतदाताओं को इग्नोर करके दूसरे मापदंडों के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे तो फिर मतदाताओं का रुझान नोटा की तरफ लगातार बढ़ता जाएगा। पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि लगभग हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नोटा का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में नोटा का बहुत महत्व नहीं होता, लेकिन विधानसभा चुनाव जहां पर चंद सौ में जीत हार का अंतर होता है वहां पर नोटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े सकारात्मक रूप से अपने प्रत्याशियों का चयन ऐसा करना चाहिए कि मतदाताओं को नोटा का उपयोग करने की जरूरत न पड़े। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी ये चर्चा हुई, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और बहुत सारे सवाल बाकी भी रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और तमाम पहलुओं को हमने छुआ। ये राजनीतिक दलों के लिए घंटी है, इससे आपको समझना होगा, ना सिर्फ नोटा को बल्कि बीजेपी को भी जीत से उत्साहित होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, और कांग्रेस के लिए तो खैर मंथन का जो लंबा दौर